हरिमंदर साहब की मर्यादा किने भंग करी? आतंकवादी दरिंदा पिंडराले ने। अमृतपाल का जिन्ना भी हूं तक रोल अदा रहा वो हिंदू सिख भाईचारे च पड़ पाता रहा। इत्थे तक जो अतवादी कौंटर करे मारे तो राष्ट्रपति अवार्ड नाल सम्मानित करया गया। ओही राष्ट्रपति अवार्ड वाले व्यक्ति नूं बादल ने ह्यूमन राइट्स दे तहत जेलां च अंदर करता। ते देश दी आर्मी नूं साडे धार्मिक स्थान ते बढ़ना पिया। सानूं दी तकलीफ है, सारिआं नूं दुख है, लेकिन उहदा कारण कौन है? पंडरावाला। जिहड़े लोग अज अतवादी अंदर है बंदी सिंह दसदे ने इन्हां नूं इह निर्दोष नहीं है। इन्हां ने सारे ने बहुत बड़े बड़े क्राइम करे हुए हैं। पंजाब दे अंदर तो कोई कार्यक्रम ही नहीं सी। हरीश सिंगले ने किद्दां कार्यक्रम अपना रख लिया, साडे तां समझ तो बाहर है, क्योंकि पंजाब दा तो उन्हां दा कोई सद्दा ही नहीं सी अकालीस्तानियां दा। साड़िया गया वो तो एक एक्सीडेंट सी। सारे लोग लगातार कहने कि असीं गुरुआं दे मार्ग ते चल रहे, जिन्हें भी हुण तक यह गल करते हैं खालिस्तान की। मैं इन्होंने एक सवाल पूछना चाहना कि साढ़े दस दे दस गुरुआ ने शहादत देती मुगलों के खिलाफ लड़ाई बंद नहीं करी। साढ़े दसवें पातशाह ने दो पुत्र अपने दीवारा चुनवाते, दो युद्ध च शहीद कराते, लेकिन मुगलों के खिलाफ लड़ाई बंद नहीं की। लेकिन एक चंद मुठ्ठी भर लोग पाकिस्तान के उन्होंने मुगलों तो ट्रेनिंग लेके पंजाब च हिंदू सिख भाईचारा खत्म कर रहे ने। एक गुरु दे लाल नहीं, एक गुरु दे मत्थे ते कलंक ने। के देश दी प्रधानमंत्री मरी, दंगे हो गए 84 दे दंगे होए एक्सीडेंट च, हर बंदे ने अपना रोल अदा करिया ते दंगिया च लोग मारे गए। ये तो 13 साल 35,000 मिथके मारे गए और 84 दे दंगे वालों नूं अज तक जिन्नियां सरकारां आईयां किसी ने फ्लैट, किसी ने 10 लाख, किसी ने 20 लाख, वो आज तक 84 दे दंगे नहीं निबड़े। नहीं एक्सीडेंट की गल करिए भी, ये जड़ा मिथके मारा गया जब तेल पाके साड़ा गया, इन तुसी एक्सीडेंट किया कैसे देखो? उन तो संत दस दे ना। नहीं नहीं अटैक क्यों होया? पिंडरां वाले ने उत्थे असला इकट्ठा करिया। अगर वह बहादुर दलेर सी तो हरिमंदर साहब तो बाहर आंदा। कई बार इसी ढंग नाल सरसे वाले का झगड़ा और अकालिया का झगड़ा हिंदू सिखा का बंदे बंदे टलिया। समय समय अनुसार पंजाब नूं बॉर्डर स्टेट होने कारण हालात बिगाड़ के खालिस्तान मूवमेंट नूं जीवित करने के प्रयास करता है। ते 80 तो लैके 93 तक जिहड़ा पंजाब का माहौल खराब होया, जिहदे च इह तां नहीं भी कल्ले हिंदू ही मारे गए सन, सिख भी मारे गए सन। पंजाब के अंदर जो 35,000 हिंदू मारिया गया मिथ के मारिया गया, बसा चो कंढ के मारिया गया, घर च बढ़ के मारिया गया, निशाना बना के मारिया गया। पुलिस के उपर दोष लाया जाता है भी सिखा नू स्कूटर दे विचों तेल कट के, उन्होंने स्कूटर चो तेल कट के उन्होंने साड़िया जाता सीगा। तो मतलब तुहाडा कहने का मतलब है भी बंदी सिंघां नू रिहाई नहीं करेंगे? बिल्कुल, असीं हर जगह विरोध करांगे। रिहाई नहीं असीं विरोध भी करांगे, रिहाई होण भी नहीं दवांगे। नमस्कार, मैं हाँ विजय वोरा ते तुसी देख रहे हो स्काई न्यूज़ पंजाब। अज पंजाब दे विच हालात जड़े हैं सब नू पता है दिन ब दिन बदतर होंदे दिखाई दे रहे हैं। गल करिए ता आपसी फूट जड़ी है 9 मास का रिश्ते की गल की जाती है हिंदू सिख के उन्होंने कितने ना कि बिखराव आ रहा है। आपसी फूट को उजागर करने लई, आपसी फूट को वधाउण लई तरह तरह के हथकंडे जड़े हैं अपनाए जा रहे हैं। इसी सारे मुद्दे को लेके पंजाब के हालातों को लेके अज के जड़े पंजाब के विगड़ते हालात हैं उन्होंने लैके असी गलबात करांगे। साडे नाल हिंदू तख्त धर्माधीश और हिंदू शिक्षा समिति के जो मुखी हैं पंचानंद गिरी जी महाराज, उन्होंने गलबात करते हैं। बाबा जी स्वागत है तुहाडा स्काई न्यूज़ पंजाब। जय हो माता, जय जयकार। बाबा जी अज की गल करिए पंजाब के हालात
दिन ब दिन बिखरते जा रहे हैं। जिदा कि मैं पहले कहा हिंदू सिख का जोड़ा नौ मास का रिश्ता है उसनों कितना कितने तोड़न की कोशिश की जा रही है, कितना देखते हो इस हालातों को, पंजाब के हालात बारे थोड़े की राय है? देखो इतिहास हमेशा करवट लेंदा है। पंजाब ने पहला भी 13 साल बड़े काले दिन देखे ने, सन 1980 तो लेके सन 1993 तक जी। वैसे तो पंजाब के हालात 78 च ही खराब होने शुरू हो गए सी, लेकिन 80 तो 93 तक तो बहुत ज़्यादा काला दौर पंजाब वाले ने देखे। इन्ने ज़्यादा विश्वास वाले रिश्ते च ऐसी ददार आ गई सी कि हिंदू और सिख आपस च एक दूजे ते भरोसा बिल्कुल ही खत्म हो गया सी। और 13 साल च 35,000 हिंदू निर्दोष मारे गए ने। एक कुछ राजनीति लोगों का शह ते कम होए, हालात पैदा हूँ फिर उही इतिहास द्वारा करवट ले रहे है सेम जी। पहला भी पंजाब च कदे हिंदू सिखा का कोई किसी तरह का झगड़ा नहीं सी। पंजाब दे अंदर अकाली और ननकारियों का झगड़ा सी, जिहड़ा हिंदू सिखा च तदवील हो गया क्योंकि ननकारियों की कोई पहचान नहीं। किसी ने पग बन्नी है सरदार है, किसी ने बाल नहीं रखे वह हिंदू है। कई बार इसी ढंग नाल सरसे वाले का झगड़ा और अकालिया का झगड़ा हिंदू सिखा का बंदे बंदे टलिया क्योंकि कौन प्रेमी है किसी को पता ही नहीं सी, सरसे वाले की भी कोई पहचान नहीं सी जी। तो हालात कदे तो एजेंसियां कदे कुछ राजनीति लोग अपने स्वार्थ पूरी करन लई, और सब तो वड्डी गल कि साडा पड़ोसी देश पाकिस्तान समय समय अनुसार पंजाब नू बॉर्डर स्टेट होण कारण हालात बिगाड़ के खालिस्तान मूवमेंट नू जीवित करन दे प्रयास करदा, हिंदू नेतावां नू निशाना बनाना और कुछ ऐसी हरकतां करना जिहदे नाल धार्मिक मवाद जी विवाद खड़ा हो जाए, वह हालातों नू ये लोग पैदा करदे ने। वो हालात अज पंजाब दे अंदर फिर तो दोबारा तैयार ने। बाबा जी गल करिए जिवें तुसी कह रहे हो आपसी जिहड़ा भेदभाव की गल की जाती है, तो 80 तो लैके 93 तक जिहड़ा पंजाब का माहौल खराब होया जिहदे च इह तां नहीं भी कल्ले हिंदू ही मारे गए सन, सिख भी मारे गए सन। पुलिस के उपर दोष लाया जाता है भी सिखां नू स्कूटर दे विचों तेल कट के उन्हां दे स्कूटर चों तेल कट के उन्हां नू साड़िया जाता सीगा, ते इह तां आपसी हिंदू सिख दा दोनों का कतल होया सीगा, ते उस तो बाद जिहड़े माहौल बदतर होए सीगे। अज दे माहौल नू किद्दां देख रहे हो क्योंकि उह दौर कितने ना कितने दोबारा अपनी करवट लै रहा है। उरे ये गल करना बिल्कुल सरासर गलत है। पंजाब के अंदर जो 35,000 हिंदू मारिया गया वह मिथ के मारिया गया, बसा चो कढ़ के मारिया गया, घर च बढ़ के मारिया गया, निशाना बना के मारिया गया। जिहड़ी असी गल अपने सिख भरावां दी करदे आ कि उन्होंने साड़िया गया, वह तो एक एक्सीडेंट सी कि देश की प्रधानमंत्री मरी, दंगे हो गए 84 दंगे हुए एक्सीडेंट च हर बंदे ने अपना रोल अदा करिया, दंगिया च लोग मारे गए। ये तो 13 साल 35,000 मिथ के मारे गए जी। उस और इस चीज़ जमीन आसमान का फर्क है जी। वो एक एक्सीडेंट सी, ये तुसीं निशाना बना के मिथ के मारे जी। और 84 के दंगे वालिया नू अज तक जिन्नियां सरकारां आईयां, किसी ने फ्लैट, किसी ने 10 लाख, किसी ने 20 लाख, वो अज तक 84 के दंगे नहीं निबड़े। लेकिन 35,000 मरे हिंदुओं नू अज तक किसी सरकार ने 5 पैसे भी दिते, उन्हां दी गल भी नहीं करी। 762 करोड़ रुपया बादल सरकार दे टाइम सेंटर तो आया सी, 35,000 निर्दोष परिवार वाली वह भी वापस भेजता नहीं, बंदिया हिंदुओं नू। हिंदुओं के नाल इदा का बकतीरा सदा सारिया सरकार करदी आई है। नहीं एक्सीडेंट की गल करिए भी ये जरा मिथ के मारिया गया जब तेल पा के साड़ा गया इन तुम एक्सीडेंट किता कह सकते क्योंकि एक्सीडेंट देश की प्रधानमंत्री मरी जी, उस तो बाद दंगे हो गए। लेकिन पंजाब च तो ऐसा नहीं होया ना, पंजाब च तो बसा रोकते सी, बसा चो देखते सी सरदारा अंदर बैठे रहन देंदे सी, हिंदू नू उतार के मार देंदे सी, तो मिथ के मारे जी। उत्थे मिथ के नहीं मारे गए, वो तो देश की प्रधानमंत्री मरी, देश की प्रधानमंत्री ने लोगों की अटैचमेंट सी, दंगे हो गए। नहीं की कारण मानते हो भी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नू जिहड़ा कि मारना पिया टारगेट करके? टारगेट करके ये तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी के अंग रक्षक सारी सिख कम्युनिटी की बदनामी करती क्योंकि सिख सी जिन्होंने मारिया, विश्वास ही खत्म कर लिया उन्होंने जी अपने ते। अगर ये लोग गल करते ने कि देश की प्रधानमंत्री ने हरिमंदर साहब से अटैक कराया, वो अटैक क्यों होया? हुण तां संत दसदे ना। नहीं नहीं अटैक क्यों होया? पिंडां वाले ने उत्थे असला इकट्ठा करिया जी। अगर वह बहादुर दलेर सी तां हरिमंदर साहब तो बाहर आंदा, गुरु ग्रंथ साहब का अपमान क्यों कराया, अंदर ड्रमां च लैटरिंग क्यों कीती,
अंदरों लड़कियां नंगिया मिलिया, कितों मिलिया? हरिमंदर साहब की मर्यादा किने भंग करी? आतंकवादी दरिंदा पिंडराले ने ऐसे हालात क्यों पैदा हुए कि देश की आर्मी नू साडे धार्मिक स्थान ते बढ़ना पिया? सानू दी तकलीफ है, सारे नू दुख है, लेकिन उसका कारण कौन है? पिंडराला भुगतान दे रहे लोग, जो भाईचारा फिर खराब हो रहे हैं भी उसी का रोल नजर आंदा, क्योंकि उन्हें मार्ग से चलन लई प्रयास करते ने लोग, बच्चों गुमराह कर रहे ने उदे नाम तो। जे अज की गल करिए भाई अमृतपाल जिन्हों कहा जाता है उसी तर्ज के उत्ते ही नौजवानों आह्वान करता है, तो तुम की मनते हो भी भाई अमृतपाल कि देखते हो, लगता है भी दोबारा जो दौर है भी दोबारा पनप सकता है? देखो कहीं ना कहीं अमृतपाल का जिन्ना भी हूं तक रोल अदा रहा वह हिंदू सिख भाईचारे च पड़ पाता रहा जी, वह पंजाब के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए है। कहीं ना कहीं ISI पाकिस्तान की एजेंसी का हाथ होएगा, वो पैसा दे रही होएगी पंजाब स्टेट नूं द्वारा अतवाद और खालिस्तान नूं जीवित करन दे लई। पर सरकारां चुप ने, सरकारां नूं इहदी जांच करके उच्च सदरी कमेटी बना के FIR दर्ज करनिया चाहीदियां। बबे गल करिए अज की गल करिए एक माड़ी जी भी किसी की किसी न किसी लड़ाई हो जाती है, कोई आपसी एक दूजे कोई बोल बंदे बोल देता है तो उससे भी कार्रवाई हो जाती है, तो भाई अमृतपाल लगातार जोड़ा है विवादों बने हुए हैं तो कुछ अच्छे काम भी कर रहे हैं, हालांकि जिमें अमृत छकाने की गल कर रहे हैं, नौजवानों के नशा छड़न की गल कर रहे हैं, नौजवानों को गुरु से लड़ लगन की गल कर रहे हैं, उन्होंने किमें देखते हो तुम अमृतपाल कि देखते हो? ये सारिया गल्ला तो एक पर्दा पाने वाली ने, मेन मिशन उसका आतंकवाद को बढ़ावा और खालिस्तान को बढ़ावा देना किसी तरह पंजाब के अंदर। सब तो बड़ी गल तो मैं ये पूछदा कि सारे लोग लगातार ये कहने कि असी गुरुआ के मार्ग से चल रहे हैं, जिन्हें भी हूँ तक ये गल करते हैं खालिस्तान की, मैं इन्होंने एक सवाल पूछना चाहना कि साढ़े दस के दस गुरुआ ने शहादत देती मुगलों के खिलाफ लड़ाई बंद नहीं करी, साढ़े दसवें पातशाह ने दो पुत्र अपने दीवारा चुनवाते दो युद्ध च शहीद कराते, लेकिन मुगलों के खिलाफ लड़ाई बंद नहीं की। लेकिन एक चंद मुठी भर लोग पाकिस्तान के उन्होंने मुगलों तो ट्रेनिंग लेके पंजाब हिंदू सिख भाईचारा खत्म कर रहे ने, एक गुरु के लाल नहीं, एक गुरु के मत्थे ते कलंक ने जी, जेडे मुगलों तो ट्रेनिंग लेके गुरुआ के मार्ग न अलग कर रहे ने। गुरुओं ने तो क्या है कि तुसी अपनी बाजू ते तिल मल लो, तेल च पा दो, जिन्ने तिल चिंबड़े होए उन्नी बारे कसम खानी, ना भरोसा ना करो मुगलियां ते जी, तत्ते तवे ते बह जाणी ना भरोसा ना करो, ते गुरु दे लाल नहीं है, गुरु दे मत्थे ते कलंक ने। बाबा जी गल आपसी भाईचारक की फिर दोबारा कर रहे हैं, जब पिछली 29 अप्रैल की गल करिए बीते दिन जरा हिंदू सिखा के रौला पैंता है, खालिस्तान मुर्दाबाद कहा जाता हिंदू संगठन वालों, तो हिंदू सिख संगत वालों जो सिख संगठन है उन्होंने वालों शिवसेना वालों मुर्दाबाद कहा जाता है, तो सौदा लाने की गल की जाती है। तो उस तो बाद गल करिए 29 अप्रैल में खालिस्तान विरोधी मार्च कढ़ना सीगा, क्योंकि गुरमंत पन्नू जो विदेश बह के पंजाब को तोड़न की गल कर रहा है, खालिस्तान की गल कर रहा है, खालसा राज बनाने की गल कर रहा है, तो उस दे उपर हरी सिंगला वालों किया गया रोस मार्च जो कि अपने दफ्तर के किया गया सी, पर शरारती अंसरां वालों कुछ काली माता मंदिर से अटैक किया गया, इसनों कितना देखते हो क्या उस दिन की सारी? देखो सब तो पहली गल, पंजाब के अंदर किसी भी तरह का ना पन्नू का ना खालिस्तान का कोई कार्यक्रम नहीं सी, उन्हों का कार्यक्रम हरियाणा और हिमाचल का सी जी, असी हरियाणा और हिमाचल के सारे शहरों के अंदर उन्होंने DC ऑफिसा खालिस्तान के झंडे लहराने से, असी अपन टीमें भेजा हुई सी, मैं स्वयं उस दिन अंबाले के अंदर सी जी, पंजाब के अंदर तो कोई कार्यक्रम ही नहीं सी, हरीश सिंगले ने किदा कार्यक्रम अपना रख लिया, साढ़े तो समझ तो बाहर है क्योंकि पंजाब का तो उन्होंने कोई सद्दा ही नहीं खालिस्तानियों का। पर मंदिर की घटना को लेकर मैं दस रहा हूं, पथराव होया जा मंदिर के अंदर तो एक सोची समझी साजिश के तहत खालिस्तानियों ने हमला कर, जिदा मूँह तोड़ जवाब साढ़े उत्थे जिन्हें भी लोग थे जी, ये घट्टो घट 5 to 7,000 लोगों ने हमला कर, साढ़े 15 नौजवान जोड़े मंदिर के अंदर मौजूद से उन्होंने मूँह तोड़ जवाब दिता, और दड़ाए इन्हों के बंदे फटड़ होए, सट्टा साढ़े 1 बंदे दे लगी है, इन्हों के 100 आदमी फटड़ होए ने, इन्हों मूँह भी खानी पई, और इन्हों समझ आ गई कि हिंदुओं के किसी भी धार्मिक स्थान पर हमला करना इन्ना आसान नहीं है, ये समझ आ गई है इन्हों।
तो भाई अज गल करिए पंजाब चंडीगढ़ बॉर्डर के उत्ते कौमी इंसाफ मोर्चा वालों बंदी सिंह की रिहाई लिए कहा जाता है जेडे कि सजा कट चुके अपनी किन्नी जायज मंग मनते उन्होंने क्योंकि लगातार आए दिन कभी उस मोर्चे के सिमरजीत सिंह मान चाहे भाई अमृतपाल जे हमने नवे फेमस होए हैं तो वह भी जोड़े है शिरकत करने कह रहे हैं। देखो बंदी सिंह का तो एक बहाना ये बिल्कुल रिहाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि बड़ी स्पष्ट गल है भी एक स्टेट के मुख्यमंत्री तुम मारिया हो गए और उस तो बाद बरी हो जाओ या रिहा हो जाओ कुछ साल बाद फिर आम व्यक्ति तो मिनट च मार देगा कि असं मुख्यमंत्री मार के रिहा हो गए। ये जेड़े लोग अज अतवादी अंदर है बंदी सिंह दसते ने इन्हों निर्दोष नहीं है इन्होंने सारे ने बहुत बड़े बड़े क्राइम करे हुए हैं इन्हों तो मरते दम तक जेल तो बाहर नहीं कढ़ना चाहिए अगर कढ़ना है तो इन्हों पहला फांसी से लटका दो इन्हों डेड बॉडियां बाहर आन ताकि दूजे अकल मिले कि देश के अंदर देश के नाल गिरफ्तारी करने का की नतीजा होंगे। अज जे लोग खालिस्तान की गल्ला करते हैं इन्हों पुछो कि पटना साहब नदेड़ साहब ये सारिया जगह का क्या वीजा लिया करेंगे है पंजाब कि वरतेगा जी बिल्कुल अज असि अमरनाथ तो कागज सही हो ना 15 दिन च अमरीका वीजा दे दिता जी अमरनाथ यात्रा लिए साडे व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन करानी है 2 महीने लगते ने साडे देश के अंदर जी तो पंजाब के अंदर वो जेड़े लोग खालिस्तान की गल करते ने वो हिंदुस्तान तो पंजाब अलग तोड़ के एक अलग देश बनाना चाह रहे ने तो मैं उन्होंने सवाल पूछना भी बाकी गुरु स्थान से बाकी कम्यूनिटी के लोग किदा जाएंगे जेडे पूरे हिंदुस्तान च मेरे सिख बच्चे बसे हुए ने कितने जाएंगे। ये लोग तो सिर्फ एक ISI के इशारे से दंगा कराना चाहते हैं ना इन्हों खालिस्तान चाहिए ना कुछ चाहिए यह सिर्फ हिंदू और सिखा च पार पा के दंगे कराना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर डिस्टर्ब हर तरह हर स्टेट के अंदर होंगी रहे चाहे कहीं मुसलमान हिंदुआ का दंगा चाहे हिंदू सिखा का दंगा चाहे ईसाइया का दंगा इन्हों का काम दंगा फैलाना। बबे सिख संगत वालों कहा जाता है सिख संगठनों वालों कहा जाता है भी राजीव गांधी के कातलों छोड़ा जा सकता है उन्होंने रिहाई हो सकती है अच्छे चाल चलन करके उन्होंने सज़ा कट करके उन्होंने छोड़ा जा सकता है वो देश के प्रधानमंत्री सन तो जेड़े हुण सिख बंदी है बंदी सिंह है तो उन्होंने रिहाई क्यों नहीं क्योंकि उन्होंने सज़ा जी पूरी हो चुकी है कोई भी अगर कानून के तहत कोई पाप करता है जो कोई गलत काम करता है तो उन्होंने सज़ा मिलती है तो सज़ा मिलने तो बाद सज़ा भुगत ली भुगतन तो बाद भी जो 7-7 साल हो गए पर उन्होंने रिहा नहीं किया जा रहा कितना कितने सिख कह रहे हैं साढ़े वितकरा हो रहा है इको देश के रह के साथ भेदभाव किया जा रहा ऐसा है कि देश की प्रधानमंत्री कि मारी सिखा ने मुख्यमंत्री बेअंत सिंह कि मारिया सिखा ने इन्हों तो बिल्कुल रिहा करना ही नहीं चाहिए क्योंकि अपनी गलती नहीं मान रहे जी ये गलती से गलती कर रहे हैं जी ऐसे लोगों को बिल्कुल रिहा नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को चराहे से फांसी से लटका देना चाहिए और जेड़ा इन्हों का शरीर है कुत्ते पा देना चाहिए ताकि कुत्ते खान लोग देखन जी और इन्हों समझ आ गए कि साड़ी कम्यूनिटी के मुताबिक साडा उस रीति रिवाज के राही साडा संस्कार नहीं होया इस करके सानू मुक्ति तो कितों मिलेगी ताकि अगे नू डरन ये लोग आतंकवादी बनते हुए तो मतलब तुहाडा कहने का मतलब है भी बंदी सिंह नू रिहाई नहीं करदे बिल्कुल असं हर जगह विरोध करांगे रिहाई नहीं असं विरोध नहीं करांगे रिहाई होने भी नहीं देवांगे कितना रिहाई हो जाए हिंदुआ के कातलों की बिल्कुल नहीं होने देवांगे असं। तो बबे गल करिए इसी के तहत बंदी सिंह की रिहाई लिए जोड़े है सिख संगठन बैठे हैं वक् वक् सिख संगठन जोड़े इकट्ठे होकर एक समूह बना के जोड़ा पक्का मोर्चा लाया गया तो दूसरे पास हिंदू संगठनों वालों ही जेडे कि पुलिस मुलाजमान वालों बंदी सिंह के नाल 84 के लोग मरे पुलिस वाले ने मारे वो हूँ जेल के बंद है उन्होंने रिहाई लिए हिंदू संगठनों के लोग जोड़े हैं मोहाली सड़कों पर उतरे गवर्नर हाउस तक रोस मार्च कढ़िया गया पर पुलिस ने 1 किलोमीटर बाद ही रोक लिया तो यह कि जायज मंग है जे बंदी सिंह की रिहाई लिए सिख संगठन कर सकते हैं तो हिंदू संगठन जोड़े पुलिस वाले की जोड़े लोग जेलों च बंद है तो उन्होंने मांग कर रहे रिहाई की यह दोनों चीज़ा कितने ना कि आपसी दोनों चीज़ा बड़िया जमीन आसमान का फर्क जी वो देश विरोधी लोग ने जोड़े बंदी सिंह ने जी उन्होंने देश को खतरे च पाया जोड़े पुलिस अफसर ने उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है आटे को हमेशा पलेथन लगता होंगे अगर वो इस ढंग नाल KPS गिल उस टाइम काम ना करता ठीक है तो यह तो जो बादल ने काम पंजाब के अंदर पुलिस नाल करे ना पूरे इंडिया की पुलिस का मनोबल गिरे ये
ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਟਰ ਕਰੇ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਉਸੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੋਟਾ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਲੜੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ? ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿਣ। ਨੋ 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 ਨੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਰਹੀ ਰਹੇ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਰਹੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਲੱਗ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਖਾਲਸ ਰਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਓਰ, ਖਾਲਸ ਕੀ? ਖਾਲਸ ਕੀ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਦੱਸੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੰਧਾਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਝੁਕਦੇ ਰਹੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੂਗਾ? ਅੱਜ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉੱਧਰ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮਰਾਠੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡਰਾਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ? ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੰਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਓ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਜਾਏਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੱਲ ਬਈ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬਜਾਵ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੈਂ ਦੱਬ ਰਿਹਾ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਰ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅੜ ਕੇ ਕੱਢਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈ, ਲੰਘਣਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਲਓ, ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਜਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਖਸਾ ਸਮਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 28-29 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਣਮੈਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਚਾਰ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਗਾਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਥਰੈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਸ ਆਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕੈਦੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਾਡ ਆਰਡਰ 'ਚ ਫੇਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੋਟਲ ਫੇਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੰਭਲਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਡਟ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸੀ ਪੰਚਾਨੰਦ ਗਿਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਦੇ ਧਰਮਾਤੀਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰਾਏ ਲੱਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਉ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਵੋਰਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਜੇ ਵੋਰਾ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ।